क्रिस्पी स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ास। क्या क्या डल रहा है इसमें? बेसन, चिकपी फ्लोर 1.5 कप। पकोड़े बनाने के लिए चाहिए हमें बैटर, और अब हमने डाल दिए है बेसन और साल्ट। गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर या ड्राई मैंगो पाउडर, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, क्रिस्पी बनाने के लिए राइस फ्लोर और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। हल्दी ऐड कर दीजिए 1/2 टेबल स्पून। बैटर बनाने के लिए अब इसमें डाल देते हैं पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। मिक्स मिक्स मिक्स। बैटर को बनाने के लिए अगर और पानी मिक्स करना पड़े तो आप मिक्स कर दीजिए स्लोली एंड ग्रेजुअली। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, अगर पानी की और ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। मिक्स कर दीजिए अच्छे से। कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ही पतला। बैटर तैयार हो जाने के बाद अब यहाँ पर एक मसाला तैयार कर रहे हैं हम, साबुत जीरा 1/4 टेबल स्पून, सौंफ 1/4 टेबल स्पून एंड साबुत धनिया 1/2 टेबल स्पून। ये मसाला जब भुन जाए इसे कोर्सली ग्राइंड कर लीजिए, दरदरा पीस लीजिए हमाम दस्ता में। ये जो हमारा मसाला है इसको तैयार कर लेंगे ऑयल में और डाल देंगे ये मसाला, अच्छे से भून लेंगे इसे। चलिए स्टफिंग के लिए ले लेते हैं बॉयल पोटैटोस और उसमें डाल देते हैं साल्ट 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/4 टेबल स्पून और अब इसमें डाल दीजिए वो जो तड़का हमने तैयार किया था, पोर कर दीजिए इसे। कसूरी मेथी भी डाल दीजिए इसमें 1/2 टेबल स्पून। अच्छे से इन सबको कर लीजिए मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स मिक्स मिक्स। अब ले लेते हैं ब्रेड और स्प्रेड कर देते हैं इस मसाले को अच्छी तरह से। आप इस ब्रेड के ऊपर एक और ब्रेड लगा दीजिए, प्लेस कर दीजिए और थोड़ा प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद इसको अपनी डिज़ायर्ड शेप में काट लीजिए। देखिए इस तरह से। यहाँ पर बेसन के बैटर को रेस्ट मिल गया था तो विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो हमारी ब्रेड तैयार हुई है उसको कोटिंग कर दीजिए ये बैटर की डीप फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हमने डीप फ्राई करना शुरू कर दिया है, देख लीजिए ब्रेड्स को किस तरह से फ्राई कर रहे हैं।
चेक कर लीजिए कितने टेस्टी डीप फ्राइड बन रहे हैं ये। अब हम हो गए हैं हमारे ब्रेड पकौड़ा तैयार, उसकी प्लेटिंग कर दीजिए। कोई भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर दीजिए इसे। They are so yummy and tasty to eat and enjoy any time, any day. They look so tempting, delicious. Do try this snack my way. You will find it very interesting and tasty.